आई एम एस किम शाह एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आपने ये शब्द कभी अंग्रेजी में नहीं सुना होगा, हिंदी में बहुत सुना होगा, मनहूस, लेकिन अंग्रेजी में आपने इसकी अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी होगी। देखें चार अंग्रेजी इसकी, अनलकी, ग्लूमी GLOOMY, ओमिनस, इनऑस्पिशियस, ये चार अंग्रेजी हैं। और मनहूसियत की अंग्रेजी भी सुन लीजिए, ग्लूम, GLOOM, ग्लूम, मनहूसियत, उदासी। माय फ्रेंड इज एन ओमिनस पर्सन। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, भुतहा, भुतहा की अंग्रेजी होती है हॉन्टेड, HAUNTED, बहुत आता है ये शब्द, रट लेना बिल्कुल दिमाग में, लिख लेना, हॉन्टेड। माई फ्रेंड इज एन ओमिनस पर्सन, मेरा दोस्त बहुत मनहूस आदमी है, मनहूस आदमी है एक। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट ओमिनस, ओमिनस आवर भी कह सकते हैं, HOUR, मोमेंट माने क्षण, मैं वो क्षण, वो मनहूस क्षण नहीं भूल सकता, ये इसकी अंग्रेजी है। डोंट ट्राई टू गो देयर, वहां जाने की कोशिश भी मत करना, अरे बड़ा मनहूस जगह है वो, बिकॉज इट इज एन ओमिनस प्लेस, बड़ा मनहूस जगह है वहां मत जाना। अब मनहूस घड़ी टल गई है, टल गई है की अंग्रेजी होती है इज एवर्टेड, एवर्टेड। नाउ द इनऑस्पिशियस मोमेंट इज एवर्टेड, वो मनहूस घड़ी अब नहीं रही, टल गई, उसका चेहरा मनहूस है, हिज फेस इज वेरी अनलकी, बहुत मनहूस है उसका चेहरा, वेरी शब्द लगा दे बहुत लग जाएगा, अनलकी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, अपना मनहूस चेहरा लेकर यहां से चले जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं मनहूसियत फैलाते हैं, शादी में भी मरने की बात करेंगे, मनहूसियत की बात करेंगे, अपना मनहूस चेहरा लेकर यहां से चले जाओ, गेट आउट विद योर अनलकी फेस, कम से कम यहां तो मनहूसियत मत फैलाओ, कहते ही हम यहां क्यों मनहूसियत फैला रखी। कोई आदमी किसी के यहां फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, वो अपने चेहरा लटकाए हुए रो रहे हैं, मनहूस चेहरा बनाए हुए बैठे हैं। डोंट स्प्रेड ग्लूम हेयर एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम, कम से कम यहां तो मनहूसियत मत फैलाओ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू, थैंक।